हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग आई शेडो पैलेट का रिव्यू, जो कि है कलर बोर्ड का। सो गाइज, ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, आपको हर वेबसाइट पर मिल जाएगा। नाइक का, मीशो, पर्पल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। एंड अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक डायरेक्टली आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे 371 रुपीज़ का मिला था 60% के ऑफ के साथ। तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिला था। सो अब बात कर लेते हैं आउटर पैकेजिंग की। तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, बहुत ही लाइट वेटेड है। ये पूरा पैकेजिंग जो है वो कार्डबोर्ड का है। सो ओपन करने के लिए यहाँ पे एक मैग्नेट लगा होता है, जिसे इजीली आप इसे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एंड इसमें ये जो है फोर्थ पार्ट में डिवाइडेड है, हर पार्ट में 15 आई शेडोज़ हैं। सो सारे आई शेडो 60 आई शेडोज़ के कलर आपको मिल जाते हैं, कुछ मैट कलर, कुछ ग्लिटरी कलर, कुछ प्लस ग्लिटर भी आपको इस आई शेडो के साथ मिल जाते हैं, जो हर पैलेट के साथ नहीं मिलते। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि आपको अलग से प्लस ग्लिटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी पैलेट में मिल जाता है। सो बहुत ही, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। गाइज, अगर आप परचेस करते हैं, आपको कैसा ये पैलेट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आप इस पैलेट को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी। पहले मैं इसके सारे स्कॉचेस मैं आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ। एंड आपको सारे कलर इसमें मिल जाते हैं, लाइक मैट कलर मिल जाते हैं, ग्लिटरी कलर मिल जाते हैं, एंड ग्लिटर भी आपको प्रेस ग्लिटर साथ में मिल जाते हैं। सो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, एक पैलेट में आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाते हैं। सो यहाँ पर प्रेस ग्लिटर क्या करना है, आपको अपने आई शेडो पे ऐसे इस तरीके से लगाना है, एंड हल्का सा प्रेस करते हुए फिंगर की हेल्प से उसको टैप टैप करना है। दैट्स इट, ये आपके आईज पे अप्लाई हो जाएगा एंड बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है। सो अभी मैं सारे स्कॉचेस आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ इसके। काफ़ी सॉफ्ट टेक्सचर है इसका, एकदम क्रीमी फॉर्म है, बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है, ना तो फॉल आउट है। एंड जो मैट कलर है वो हल्का पाउडरी है, बट जो ग्लिटरी कलर है वो बहुत ही क्रीमी फॉर्म में है। पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, आप हैंड पे खुद ही देख सकते हैं, एक बार में भी बहुत ही अच्छी तरीके से कलर देखी जा रही है, एक स्वाइप में बहुत ही अच्छी तरीके से। एंड जितनी अच्छी तरीके से आप इसे ब्लेंड करोगे, उतनी अच्छी तरीके से ये आपके आई मेकअप को अच्छा दिखाएगा। सो आप सारे स्कॉचेस देख लो, अभी मैं अपने हैंड पे ही ब्लेंड करके भी आपको दिखा दूंगी। सो मुझे ये आई शेडो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बिना किसी डाउट के कि ये ख़राब होगा अच्छा होगा। मेरी तरफ से ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड अगर नेक्स्ट टाइम ये ख़त्म होता है तो मैं डेफिनेटली इसे परचेस करना चाहूँगी, क्योंकि ये पैलेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड ये पैलेट को ना आप मल्टीपर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हो, लाइक अगर आपके पास ब्राउन्जर नहीं है तो जो ब्राउन शेड है ना उसको आप एज अ ब्राउन्जर यूज़ कर सकते हो। एंड कुछ शेड, जो ये वाइट वाला शेड है ना, आप इसे एज अ फेस पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, एंड एज अ कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। एंड जो ये पिंक शेड है, इसे एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप इन केस ये सारी चीज़ें भूल जाते हो कैरी करना, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इस पैलेट में जितने भी आई शेडोज़ हैं उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें एक सिल्वर कलर का भी आई शेडो है, तो उसे एज अ हाइलाइटर भी आप इस उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इस वजह से ये आई शेडो पैलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इनकेस कोई चीज़ अगर आप भूल गए तो ये पैलेट ऐसा है कि आप इसमें से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से यू आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। इन फ्यूचर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड या नेक्स्ट टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में।